हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चाची की अलबेली रसोई। आज की हमारी रेसिपी है मसाला लच्छा पराठा। हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, पहले हम बनाएंगे रायता। रायता बनाने के लिए हमें चाहिए कर्ड, कुकम्बर, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर एंड ब्लैक पेपर। अब हम तैयार करेंगे पराठे के लिए मसाला। उसके लिए हमें चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट, चाट मसाला, जीरा पाउडर, पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, कसूरी मेथी एंड व्हीट फ्लोर। अब हम सबसे पहले रायते के लिए खीरे को ग्रेट करेंगे और एक बॉल में कर्ड निकालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके फेंटेंगे ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा वाटर मिलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें सॉल्ट थोड़ा सा, चाट मसाला, मिक्स मसाला। ये मैंने घर पे तैयार किया है। इसमें मैंने लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, ब्लैक सॉल्ट ये मिक्स करके बनाया है। आप चाहें तो सेपरेटली भी डाल सकते हैं और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो खीरा ग्रेट किया था हमने, अब उसको इसमें डालेंगे। और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा रायता बनके तैयार हो गया है। अब हम पराठे का मसाला तैयार करेंगे। इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर, पाव भाजी मसाला, सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला और लास्ट में हम डालेंगे कसूरी मेथी। इसको हाथों से ऐसे क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह अमचूर भी डाल सकते हैं। अब हम पराठा बनाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इसको रोल करेंगे। इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा थिक ही रखना है। अब हम इसमें घी लगाएंगे। अगर आप ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे घी का यूज कर रही हूँ।
जो ये मसाला हमने तैयार किया है, इसको हम पराठे में अच्छे से स्प्रेड करेंगे चारों तरफ। अब हम पराठे को फोल्ड करेंगे, इसको हल्के हाथों से थोड़ा प्रेस करके फोल्ड करना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करिएगा। इसको हल्के से प्रेस कर दीजिएगा और इसको राउंड ऐसे मोड़ के प्रेस करना है। अब थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रेड करेंगे दोनों साइड पे और इसको रोल करेंगे। इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, अब गैस ऑन करके इस पे हम तवा रखेंगे। और इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। पराठा रखेंगे इस पे और पराठे पे चारों तरफ अच्छे से ऑयल स्प्रेड करेंगे। अब हम इसके दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाएंगे। इस पराठे को हमको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सिकने देना है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा, तो इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। इसको एकदम हल्के हाथों से प्रेस करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। ये देखिए इसकी लेयर्स भी ओपन हो रही हैं धीरे धीरे। ये देखिए मैं नाइफ से आपको दिखाती हूँ। ये हमारा लच्छा पराठा बनके तैयार हो गया है। इसको गरम गरम आप रायते के साथ सर्व कर सकते हैं या अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।